हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड अगारो 4-in-1 हेयर स्टाइलर एंड इट इंक्लूड 4 थिंग्स: हेयर स्ट्रेटनर, क्रिम्पल, कर्लर एंड ब्रश। एंड दिस मॉडल नेम इज़ HS1107। सो गाइज, एज यू सी, ये एक सिंगल मशीन है बट इसमें 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ें परचेज करने की कोई नीड नहीं है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड गाइज, मैं आपको इसको पूरा ट्राई करके दिखाऊंगी, सारी चीज़ें इसकी यूज़ करके दिखाऊंगी और आप खुद उसके इफेक्ट देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर स्टाइलर का नाम है अगारो 4-in-1 हेयर स्टाइलर, मॉडल HS1107। आपको इस तरीके से एक आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिल जाती है एंड अगर हम बात करें अपने मेन टूल की तो वो कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक और गोल्डन का एक ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको मिल रहा है एक ब्रश, एक कर्ल, एक स्ट्रेटनर एंड एक क्रिम्प। बट अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे बाकी 3 चीजें कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बटन दिख रहा होगा। जब आप इसको पूरे बटन को एक साइड पर कर देते हो तो आपका क्रिम्पर ओपन होता है, जब आप इस बटन को मिडल में रखते हो तो आपका ये हेयर कर्लर बन जाता है एंड जब आप इसको अपोजिट साइड पे कर देते हो तो ये आपका हेयर स्ट्रेटनर बन जाता है। यहाँ पे आपको केराटिन इन्फ्यूज्ड सेरेमिक कोटेड प्लेट्स मिल जाती हैं जो आपके हेयर के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और आपके हेयर में से फ्रिज को रिमूव करने में भी हेल्प करती है। सो जो 3 टेम्परेचर सेटिंग्स यहाँ पे हमें मिलती हैं वो है 140 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर जो है वो पूरा टाइम डिस्प्ले होता रहता है ताकि आपको पता लग पाए कि आप कौन सी टेम्परेचर सेटिंग यूज कर रहे हो। यहाँ पे आपको 360 डिग्री स्विवल कोड मिल जाती है जिसकी वजह से आप इजीली अपना हेयर स्टाइल कर सकते हो और कोड जो है वो टैंगल नहीं होगी। एंड यहाँ पे आपको 2 ईयर की वारंटी भी मिल। सो गाइज, एज यू सी, ये कुछ इस तरीके से मशीन है एंड इसके साथ में ये ब्रश आती है, इसको आप अलग से अटैच कर सकते हो। तो ये इस तरीके से ऊपर से इसमें अटैच होती है। तो सबसे पहले हम इस ब्रश की बात करते हैं। सो गाइज, ये ब्रश आप एक तरीके से अपने फ्रिज को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम ये आपके बालों को इतना अच्छा बाउंसी इफेक्ट देगा ना, और फ्रिज बिल्कुल दूर कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बटन है और इसको आप क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इसका टेम्परेचर शो करेगा, आप देख सकते हैं ये 170 का टेम्परेचर शो कर रहा है और ये यहाँ पे प्लस माइनस है जिससे कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू प्रेस दिस प्लस बटन तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये 200 टेम्परेचर पे पहुँच चुका है। तो ऐसे ही आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, देन उसके बाद में आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा बाउंसी इफेक्ट देता है और आपके हेयर से फ्रिज को भी दूर करता है। आप इसको नॉर्मली ब्लो ड्राइंग की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको नॉर्मली जैसे आप अपने हेयर्स को कॉम करते हैं बिल्कुल वैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और टेम्परेचर भी इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये कैसे वर्क करता है, तो इसमें ये कुछ ऐसे बटन दी गई हुई है। जब आप इसको एक साइड प्रेस करते हो तो ये इस तरीके से स्ट्रेटनर ओपन होता है, जब आप इसको बिल्कुल अपोजिट साइड ओपन करते हो तो ये क्रिम्पर ओपन होता है, जैसा कि आप देख सकते हो ये क्रिम्पर ओपन हुआ। देन उसके बाद में जब आप इसको बीच में, लाइक जो ये बटन है इसको आप बीच में प्रेस करते हो तो ये बिल्कुल इस तरीके से ज्वाइन होके ये कर्लर बन जाता है और आप इसको इजीली कर्लर की तरह यूज़ कर सकते हो, अपने हेयर्स को कर्ल कर सकते हो। एंड गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा है, इसकी क्वालिटी और इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए देखते हैं ये वर्क कैसे करता है और सारे स्टाइलर को यूज़ करके देखते हैं कि वो वर्क करते हैं या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो आप बिफोर हेयर देख सकते हो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना फ्रिजी और बहुत ही वियर्ड सी वेव्स हो रखी हैं बालों के अंदर। तो ना सबसे पहले मैं ब्रश वाली अटैचमेंट यूज़ करने वाली हूँ एंड ना ये मेरे बालों में से इतने अच्छे से फ्रिज को रिमूव कर रहा था और बालों को इतने अच्छे से स्ट्रेटन अप करने में भी हेल्प कर रहा था। एंड लिटरली अगर आपके बालों में लेयर्स है ना तो ये बहुत ही बढ़िया बाउंस दे सकता है आपको। मतलब ऑनेस्टली जो एक प्रॉपर ब्लो ड्राई वाला इफेक्ट होता है ना, मुझे वो देखने को यहाँ पे मिल रहा था। आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। सो गाइस, हाफ साइड पे मैंने ब्रश यूज़ कर रखा है एंड हाफ साइड पे नहीं कर रखा एंड यू कैन क्लियरली टेक अ लुक कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, फ्रिज एकदम गायब हो रखा है और बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। सो मैंने ना क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप मैंने यूज़ किया था हेयर स्ट्रेटनर। ओके, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि मुझे देखना था कि स्ट्रेटनर किस तरीके से स्ट्रेट करता है एंड लिटरली ना 2 बार ग्लाइड करने पर ही
इसने मेरा 90% हेयर को स्ट्रेट कर दिया था. आई मीन यू कैन टेक अ लुक. तो लिटरली अगर आप एक दो बार और करोगे ना तो ये एकदम आपको पिन स्ट्रेट वाला रिजल्ट देने वाला है. एंड अभी तो थोड़ा सा होल्ड करके स्ट्रेट करना होता, बट मैंने इसको एकदम से ही नीचे ग्लाइड कर दिया था, फिर भी इसने मेरे बालों को इतने अच्छे से स्ट्रेट किया था. एंड आप देख सकते हो कि मैंने इसको टॉप से होल्ड कर रखा है, वहाँ से ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा था. आई मीन आई टोटली लव इट. एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी ना, कि जैसे जैसे मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी ना, ये मेरे बालों में बहुत अच्छी शाइन भी ऐड कर रहा था. तो आप दोनों साइड में डिफरेंस देख सकते हो. मेरे हेयर इतने ज़्यादा नेचुरली स्ट्रेट लग रहे हैं ना, कि मतलब मैंने कुछ बालों में करवा रखा होता है एंड बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं. फाइनल लुक आप देख सकते हो स्ट्रेटन करने के बाद, बाल कितने ज़्यादा सुंदर और कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं. टोटली फ्रिज फ्री और बहुत ही ज़्यादा सुंदर. अब मैं ट्राई करने वाली हूँ क्रिम्पर. ओके, क्रिम्पर से ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, बट जो इसने रिजल्ट दिया ना, मतलब मेरे को इसको 10 out of 10 नंबर देने पड़ेंगे. आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख रही हूँ, लाइक 5 to 6 seconds तक रख रही हूँ. एंड आप वो क्रिम्प देख रहे हो, इतने क्रिस्पी सॉर्ट ऑफ क्रिम्प हो रहे हैं ना, इतने ज़्यादा प्रिटी. लाइक जो आप प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट के पास जब आप करवाने जाते हो ना, वो लोग इस तरीके के आपको यू नो क्रिम्पिंग करके देते हैं, जो लिटरली आप घर पर खुद कर सकते हो. मतलब आई मीन इतने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे ना हेयर. और अभी तो ना मैंने 5-5, 6-6 seconds के लिए इसे फोल्ड कर रखा था. अगर मैं प्रॉपर करूँगी ना तो आई डोंट नो ये कितना अमेजिंग क्रिम्पिंग देने वाला है. एंड आई मीन रिजल्ट तो आप खुद ही देख सकते हो गाइज, दे आर लुकिंग सो अमेजिंग एंड सो नाइस. बीच में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया मुझसे, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. अब मैं ट्राई करने वाली हूँ हेयर कलर, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जिसके लिए आपने ये वीडियो खोली होगी. एंड गाइज, कुछ बोलने से पहले मैं आपको रिजल्ट ना खुद ही दिखा देती हूँ. फर्स्ट अब तो ना इसको पकड़ना एंड इस पे हेयर रोटेट करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसकी 360 डिग्री स्विवल कोड है, तो ये बहुत ही अच्छे से रोटेट आराम से हो जा रहा था. अब हम देखने वाले हैं इसका हेयर कर्ल. लेट्स जस्ट लूजन अप द कर्ल एंड सी कि इसने कैसा रिजल्ट दिया. एंड आप देख रहे हो, ओ माय गुडनेस, कर्ल का ना एक बार फिनिश देखो. कर्ल के अंदर कोई फ्रिजीनेस नहीं है, इतना स्मूथ और इतना नीट एंड क्लीन कर्ल. आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है. मैं फ्रंट के सेक्शन में भी करूँगी. ये जो फ्रंट की छोटी बैंग्स होती है ना, इस पर कर्ल करना सबसे मुश्किल होता है. एंड लिटरली आप इस पर रिजल्ट देखना है कितना सुंदर देने वाला है. एंड ओ माई गुडनेस, दिस हैज़ बिकम माई मोस्ट फेवरेट कर्लर एवर. इसने जो रिजल्ट दिया ना मेरे बालों पर, वो इतने सुंदर थे. एंड फ्रंट बैंग्स के भी आप कर्ल देखोगे ना, कितने अमेजिंग है. मुझे बेस्ट चीज़ लग रही है, कितने नीट एंड क्लीन कर्ल्स हैं गाइस. बिल्कुल भी कोई बालों में फ्रिज नहीं है, और मतलब एकदम ना जैसे वो सेलिब्रिटी वाले हेयर होते हैं ना, एकदम स्मूथ से कर्ल्स होते हैं उनके बालों में. मतलब ऐसा लग रहा होता है पता नहीं भगवान ने ही उनको सब कुछ दे दिया, बिल्कुल वैसे कर्ल करके दिया यार इसने. आप देख रहे हो, माई गुडनेस गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बाल इतने अच्छे से कर्ल कभी नहीं हुए हैं. एंड इतने स्मूथ और इतने सॉफ्ट कर्ल्स, आई हैव टू से दिस इज़ लिटरली द बेस्ट कर्लर. कल बहुत ही ज़्यादा बाउंसी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुए थे. सो या गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये हेयर स्टाइलर बहुत ही अच्छा लगा है. लाइक आई एम इन लव विद दिस हेयर स्टाइलर. एंड प्लस पॉइंट, इसमें टेम्परेचर की भी सेटिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो. लाइक किसी के थिन हेयर्स होते हैं, किसी के थिक, तो उस अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं. एंड गाइस, किसी किसी मशीन में ये टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें लाइक सेम टेम्परेचर को ही सभी हेयर्स पे यूज़ करना पड़ता है. तो मुझे ये इसका प्लस पॉइंट बहुत अच्छा लगा. सो गाइस, आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो. और जो इसका स्ट्रेटनर है, वो एक ही ग्लाइड में हेयर्स को स्ट्रेट कर रहा था. लाइक एक स्वाइप में मोस्ट ऑफ द हेयर्स को ये स्ट्रेट कर रहा था. लाइक एक दो ग्लाइड्स में ही आपके हेयर्स को ये इतने अच्छे से सेट करेगा, बहुत ही प्यारा लुक देगा. और स्ट्रेट करने के साथ साथ ये आपके हेयर्स में शाइन भी देगा, जिससे कि आपके हेयर्स डैमेज नहीं लगेंगे और बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आएगा इसका. एंड गाइज, इसका जो ये टॉप एरिया है, वो हीटअप नहीं होता है, तो आप इसको ईजिली पकड़ के आप अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर कर्ल कर सकते हैं. तो ये बहुत ही हैंडी रहता है और ये बहुत ही ईजिली रोटेट भी होता है, तो आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपको इस साइड टर्न करना या फिर इस साइड, क्योंकि ये इजीली रोटेट होता है. सो गाइज, अब इसके क्रिम्पर की बात करते हैं. तो गाइज, ओ माय गॉड, मैं क्या ही कहूँ इसके क्रिम्पर के बारे में. आपने देखा ना कैसे क्रिस्पी सॉर्ट ऑफ पूरे हेयर्स का लुक आ रहा था, बिल्कुल क्रिस्प वाले बिल्कुल क्रिम्प हो रहे थे और कितना प्यारा लुक आ रहा था. क्रिम्पर को बेसिकली हम बाउंस के लिए यूज करते हैं. लाइक अगर आपको हेयर्स में बाउंस चाहिए, तो आप क्रिम्प करके अपने हेयर्स को वॉल्यूमिनाइज कर सकते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लिटरली बहुत ही लाइक बेस्ट क्रिम्पर था जो कि मैंने यूज करा था. लाइक इसने एक ही स्वाइप में इतने अच्छे से हेयर्स को क्रिम्प करा. सो गाइस, अब इसके कलर की बात करते हैं. तो जैसा कि आपने देखा, इसने कितने अच्छे
से हेयर को कर्ल किया है। सो गाइज एज यू सी जो मैंने कर्ल किए थे वो खुल चुके हैं क्योंकि जो मेरे हेयर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेट हैं, तो जो कर्ल्स होते हैं वो मेरे हेयर्स पे ज़्यादा देर टिकते नहीं है। मुझे उनको स्टे करने के लिए लाइक हेयर स्प्रे करना होता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था ऐसे, तो उसकी वजह से मेरे जो कर्ल्स हैं वो खुलने लगे हैं। तो जो कर्ल्स का स्टे होता है वो मशीन पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपके बालों पे डिपेंड करता है, लाइक आपके हेयर्स किस टाइप के हैं, थिन है, थिक है या फिर कर्ली है। तो मेरे जो हेयर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेट है और बहुत जल्दी जो कर्ल होता है वो बहुत ही जल्दी खुल जाते हैं। सो गाइज अगर आपके मेरे जैसे स्ट्रेट हेयर्स नहीं है तो आपके जो कर्ल्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकते हैं। सो गाइज आई एम इन लव विद दिस मशीन, लाइक ये आपका 4-in-1 काम कर रहा है, आपको एक ही मशीन में सारी चीज़ें मिलती हैं और आपको अलग से अलग अलग चीज़ें परचेज करने की नीड नहीं है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है, लाइक आपको सिंगल के प्राइस में आपको लाइक चारों चीज़ें मिलती हैं, तो ये बहुत ही ग्रेट डील है। एंड गाइस आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो तो भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, ये बहुत ही कम स्पेस लेगा और बहुत ही हैंडी है। आपको 3-4 जो मशीनें होती हैं स्ट्रेटनर कर्लर उसको अलग अलग ले जाने की नीड नहीं है, आप ये सिंगल मशीन ही सबका काम करेगी और बहुत ही अच्छी है, तो मेरी तरफ से तो इसके लिए थम्स अप है। सो या गाइस दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक माय वीडियो, एंड जो भी इसके लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। एंड या गाइस इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।